तो राम राम सबको, डेडपूल एंड वुल्वरीन का फाइनली ट्रेलर आ चुका है, यानी लास्ट वाला ट्रेलर यानी फाइनल ट्रेलर है। अब कोई भी ट्रेलर रिलीज नहीं करेंगे, सुनने में तो ये आ रहा है, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। क्या मार्वल हमें स्पॉइलर करना चाहता है? ना गिर गया मार्वल वाला तू यार, तू हमें स्पॉइलर करेगा। तो ट्रेलर तो काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि इसमें काफी ज्यादा शोर दिखाया तो नहीं गया, लेकिन जो दिखाया गया है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। यानी तुम छप्पन फाड़ है, यानी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा ये होगा क्या यार वेंचर। तो हम पहले सीन में देखते एक एस्गार्ड जो कि काफी ज्यादा छोटा है, यानी थोड़ा टूटा फूटा भी दिख रहा, पता नहीं एस्गार्ड है क्या नहीं भी है। थोड़ा और नीचे गोल करेंगे तो नीचे कार जा रही है जो कि वो डेडपूल और वुल्वरीन की होगी, जो कि वो यानी कैमियोस दिखाते दिखाते हमें जाएंगे, यानी लोग जो कि ये पता नहीं इस एस्गार्ड में कौन होगा, थॉर होगा, लॉकी होगा, पता नहीं कौन होगा यार। मुझे तो काफी अच्छा लगेगा कि कोई तो होगा इसके अंदर। और अगले सीन में देखते हैं कि डेडपूल उसे बताने की कोशिश करता है कि मेरा वर्ल्ड अच्छा है और तुम उसमें ज्यादा काफी ज्यादा अच्छे थे, और फिर वो बोलता है नहीं मैं इस वर्ल्ड में अच्छा नहीं, मैं उस वर्ल्ड में होऊंगा यानी दूसरे यूनिवर्स में काफी ज्यादा अच्छा होऊंगा, लेकिन इस वर्ल्ड में मैं काफी ज्यादा गिरा हुआ इंसान हूँ। और हमें क्लिफ भी दिखाई जाती है यानी वुल्वरीन की, जो कि वो पहले यानी दिखाया गया था। फिर अगले सीन में देखते हैं अलायत आ रहा होगा कि जो कि तुमने लोकी में देखा ही होगा, लोकी सीजन फर्स्ट में, जो कि अलायत आ रहा है यानी उस एंटमैन के बॉडी के पास यानी पूरा। और कैसांड्रा नोवा ने उन्हें डेडपूल और वुल्वरीन को पकड़ लिया है यानी वहीं। फिर कैसांड्रा नोवा वुल्वरीन के अंगुली डाल देती है अपने दिमाग के अंदर। तुम क्या सोच रहे थे, कहाँ डाल दी होगी अंगुली? वुल्वरीन को गोली लगी होगी तो वुल्वरीन हीलिंग कर रहा होगा, तो कैसांड्रा नोवा ने वहीं उंगली डाल दी होगी और काफी ज्यादा दर्द होता है वुल्वरीन को। और इसमें तुमने देखा होगा, तो ये सीन को देखा देखा सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। तो ये सीन हमने लोकी के अंदर देखा था, जो कि लोकी वो खत्म हो गई थी जब देखा था। और ये कैसांड्रा नोवा पता नहीं क्या कर रही, वही जगह टीवी है जो कि कैसांड्रा नोवा पता नहीं कुछ पावर ले रही है क्या पता, अपने यानी अपने यूनिवर्स को खड़ा कर रही है यानी बना रही है, पता नहीं क्या कर रही है, कर रही है लोकी के तरह कुछ कर रही है, वो टीवी के अंदर ही कर रही है। और तुमने एक चीज नोटिस की, हमको जब टीवी दिखा गया था तब इतना यानी ज्यादा ज्यादा टीवी टीवी टीवी, फिर एकदम से नीचे यानी टीवी टीवी टीवी, फिर धीरे धीरे वो खत्म होने लगा यानी टीवी आप दिखाया नहीं गया। बस इसका एक पोस्टर दिखाई जिसमें टीवी आप है ही नहीं, जो कि बस उसका रूम दिखाया गया, पता नहीं वो भी कंफर्म भी नहीं है उसका रूम टीवी वाला है क्या नहीं है, जो कि तुम होप रखो कि टीवी का इसके अंदर रोल काफी ज्यादा कम होने वाला है। तुम्हारी बात भी डेफनी किंग भी आ चुकी है इसके अंदर, जो कि तुमने लोगन मूवी तो देखी होगी, जो कि उसके अंदर ये लोगन की बेटी का रोल निभाती है, जो कि इसका नाम X-23 है, जो कि इसको मैंने जब लोगन मूवी में देखा था तो काफी ज्यादा छोटी थी। अब मैं सोचू यार किसको यार इससे कौन प्यार करे, ये बच्ची तो है, जब इसको मैंने अभी देखा तो ये काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और तुम सबकी भाभी है यार से, समझे। जो कि इस सीन ने तो मेरा दिल खुश कर दिया था, जो कि मैंने पूछा मत, ज्यादा थोड़ी हाइप बन गई थी मेरी, वो इसके अंदर पता भी नहीं यानी ये क्या क्या करेगी अब। और फिर अगले सीन, ये तो भाई साहब सबसे खतरनाक सीन मुझे ये लगा, हैरी डेडपूल जो कि इसका तुमने मुंह देखा यानी ऐसा लग रहा है एडिट करा हुआ, यानी लगा जो चिपका दिया ऐसे मुंह पे ऐसे कुछ, तुम अब क्या बोलो तुम्हें यार, मजा आ गया इसको देखे। इसका पता नहीं चेहरा कैसा होगा, डेडपूल की तरह होगा क्या नहीं होगा। तुमने ये चीज नोटिस की नहीं होगी, जो उनके पीछे जो लेडी डेडपूल के पीछे बैकग्राउंड है, जो कि उनके पीछे भी यानी काफी ज्यादा डेडपूल है, जो कि एक सिर कटा वाला डेडपूल है और एक टोपी वाला डेडपूल है, और काफी ज्यादा वेरियंट भी डेडपूल है, जो कि काउबॉय भी डेडपूल है। जो कि तुमने इस चीज को नोटिस किया नहीं होगा, मैंने भी नहीं किया था जब मैंने, और फिर मैंने एकदम धीरे से देखा यानी -1 की स्पीड में यानी कम स्पीड देखा, तब मुझे जाकर सब नोटिस हुआ। और तुमने एक चीज तो नोटिस की नहीं होगी, मैं लिख के दे सका यानी लिख के यानी ऐसे पेंसिल पे यानी स्टाफ पे लिख के दे सकता हूँ, तुमने ये चीज नोटिस की नहीं होगी। फिर पीछे यानी साइड साइड में क्या आ रहा है, डॉक्टर सेंज वाला वो भी आ रहा है, जो कि डॉक्टर सेंज करता आ रहा था, जो कि वो पोर्टल खोलता ना वही वाला। तुम्हें पता ही है बहुत ही बुरा करता है कि इसमें यानी ट्रेलर में कुछ वो दिखाता है और मूवी में कुछ और ही दिखाता है, तुम्हें पता ही है। और लास्ट वाला सीन जो कि काफी अमेजिंग था, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन भी हो सकता है, जो कि डेडपूल यानी शू इशू करता होता है, जो कि ये सीधे तुम्हें पता ही कौन करता है स्पाइडरमैन ओनली वन, ये पता नहीं कौन सा होगा, एंड्रू होगा, पीटर पार्कर यानी कौन सा होगा, तुम क्या 19 वाला भी हो सकता है, जो कि यानी स्पाइडरमैन कहना चांस है, वुल्वरीन कहता भी है यार बंद करो उसे। ये सारी थी हिडन डिटेल्स। अब ये मूवी रिलीज होने में बस एक वीक बचा है, यानी पता नहीं क्या कर रहे साथ वाला काम कर रहे तुम भी यार, अब इनको भी पता चल गया कि यार इतने में ऐसा ट्रेलर डालना तो तुम्हारी हाइप होगी, जो कि सिनेमा वाला काम कर रहे ये भी, अब कुछ नहीं करो करो कॉपी करो। जो कि ट्रेलर तो काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे काफी ज्यादा होप थी ट्रेलर से, जो कि मैं देखने वाला नहीं था क्योंकि मुझे लगा कुछ स्पॉइलर मैं ना हो जाऊं, अब मैं कुछ भी देखूंगा नहीं, बल्कि कुछ भी आ जाए यानी इंटरनेट आप बंद कर, यूट्यूब आप डिलीट कर दूंगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब फोन आप नाले में फेंक दूंगा, लिटरली बोल रहा हूं। राम राम, तो चलता हूं भी मैं, तो आप मेरे ये वाला वीडियो चेकअप कर सकते हो। तो मैंने कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट टीजर के बारे में बात की है, तो देखना मत बोलना, रेड डेड की एंट्री हुई है और कैप्टन अमेरिका का फ्यूनरल हो चुका है इसके अंदर।